हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पफ स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्लीव्स का तो इसे आप अपने ब्लाउज और कुर्ती में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग और जितनी भी आपको लेंथ और विड्थ रखनी है उसके हिसाब से एक पेपर का कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पर मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्लीव्स का कटिंग कर लिया है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है और इसकी जो चौड़ाई है ये देखिए स्लीव्स की लंबाई से डबल होनी चाहिए। तो जितनी भी ये मैंने स्लीव्स कटिंग करी है इसे आपको बढ़ाकर डबल करके लेना है फैब्रिक को। और यहाँ से इस तरीके से नीचे से हम 2.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये पट्टी हमें छोड़ना है फोल्ड करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से ये पट्टी को आपको फोल्ड करने के लिए छोड़ देना है और इसके ऊपर से स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप ले लीजिएगा और इस कपड़े को सीधा सीधा कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरीके से खोल लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नीचे से 2.25 इंच लिया हुआ है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कट लगा देना है। अब नीचे से इसे फोल्ड करना है आपको, तो इस तरीके से रखिएगा और यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फैब्रिक को पूरा फोल्ड कर लेंगे हम नीचे तक। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट स्लीव्स बना रही हूँ, अगर आप लेंथ में बढ़ा कर लेना चाहें तो आप बढ़ा कर भी रख सकते हैं इसे। और यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अब इसे हाथ से फिनिशिंग दे देनी है आपको। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसे डबल फोल्ड करके सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में मार्किंग करने के बाद और ये जो सिलाई हमने चलाई थी फोल्ड करने के लिए उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए आपको प्लिट्स डालनी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं किस तरीके से प्लिट्स लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपको प्लिट्स लगानी है। तो ये वाला जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो आप अपने सिल्क साड़ी में यूज़ कर सकते हैं। सिल्क की जो साड़ी होती है, पैटनी जो साड़ी होती है उसमें ये जो डिज़ाइन होता है स्लीव्स का ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से, अच्छे से आपको यहाँ पर प्लीट्स लगाते जाना है। एक तरफ से तो मैंने लगा ली है, अब मैं दूसरी तरफ से लगा रही हूँ। अब देखिए पेपर के बराबर से इसे चेक कर लेना है। तो थोड़ा सा फैब्रिक और बच रहा है तो मैं इसे प्लीट्स में ही यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको कम चाहिए प्लीट्स तो पेपर का नाप कर फिर आप फैब्रिक को कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसे प्लीट्स में ही यूज़ कर लिया है फैब्रिक को। ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर इसे अच्छे से जमा कर ऊपर भी प्लीट्स डाल लेनी है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसे जमाते हुए हम ऊपर की तरफ भी प्लीट्स लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर प्लेट्स मैंने लगा ली है और अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर एक पट्टी लगानी है। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, 2 से 2.5 इंच तक आप ले सकते हैं इसे। दो इंच की विड्थ में पट्टी ली है और नीचे के जितने बॉटम है उतनी आपको लेंथ में पट्टी को लेना है। सिलाई लगाते हुए अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कटिंग कर लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद हम इसे इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। पलट करके हमें इसे सीधा कर लेना है, पलट कर इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने पट्टी को पलट करके सीधा कर लिया है और अब इसे अच्छे से हम इसका जो जॉइंट है उसे बीच में कर देंगे और यहाँ पर इस पर हाथ से फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से,
अब देखिए इसके बराबर से पट्टी को कट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इतनी ही ज़रूरत है। एक्स्ट्रा पट्टी होती है तो उसे कट कर लीजिएगा। इसके पास हमें मोती वाली लेस लगानी है, तो मेरे पास ये जो लेस है वो थोड़ी बड़े मोती की है। इसमें एक छोटे मोती की भी लेस आती है, आप अगर चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी मशीन का जो फुट है उसे चेंज किया है यहाँ पर, क्योंकि ये मोती वाली लेस होती है जो हमें मशीन में अपना जो फुट होता है उसे चेंज करके ही लगाना होता है। अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है तो उसमें भी आप इजीली फुट चेंज कर सकते हैं। साइड में एक नट दिया होता है, उसे खोल करके आप अपने मशीन का जो फुट है उसे चेंज करके ये मोती वाली लेस लगा लीजिएगा। इस पट्टी पे ही लेस लगाने से इसका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आता है। तो इस तरीके से हम दोनों ही तरफ से इसे लेस लगाकर हम अटैच कर देंगे, तो ये एक हमारी लेस तैयार हो जाएगी पट्टी के साथ मोती वाली, तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है। तो पट्टी हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसे बॉटम पर नीचे की तरफ लगा लेंगे। लगाना किस तरीके से, देखिए फ्रिल वाला जो पार्ट है उसे नीचे छोड़ देंगे थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये जो फ्रिल का पार्ट है उसे नीचे छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ पर इसे लगाना शुरू करेंगे, ये देखिए। इस तरीके से लगाना है हमें इसे। एक तरफ से मैंने इसे अटैच कर दिया है, अब इस सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी अटैच कर लेंगे इसे। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ से भी अटैच कर दिया है। अब इसमें एक ही काम बचा है, बस हमें पेपर लेना है अपना, और यहाँ पर देखिए इस पैटर्न को इसके ऊपर रखते हुए इसके बराबर से हमें अपनी स्लीव्स को कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो पहले मार्किंग कर लें, ये देखिए चौक से आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद आप इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कटिंग करने से पहले यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स है वो एक जैसी आ जाएंगी। ये देखिए पेपर को रखते हुए ही आप बराबर से यहाँ पर सिलाई लगा लें और फिर से इसे कट कर लें। अब आप इसे इजीली यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, तो हमारी जो प्लेट्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी, ये देखिए इस तरीके से। अब साइड से भी इसे बराबर करते हुए आप कटिंग कर लें, ये देखिए। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है वो पफ स्लीव्स का डिज़ाइन है, और ये स्लीव्स डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।